मैं पूर्व अध्यक्ष सुप्रीमकोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन मऊ। मामला ये है कि देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले और उसका नेतृत्व करने वाले अधिवक्ताओं को सरकार के तरफ से ऐसा लगता है कि इससे सरकार वकीलों की विरोधी हो और वकीलों के प्रति एकदम उपेक्षात्मक रवैया सरकार ने अपना रखा है, जिसके चलते इस समाज में सबके लिए काम हो रहा है लेकिन वकीलों के लिए कोई काम सरकार नहीं कर रही है। पहला जो मेरा आरोप है। दूसरी बात यह है कि बहुत दिनों से मांग चल रही है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, लेकिन सरकार को कोई गरज नहीं है। तीसरी बात है कि इन्हीं सभी कार्यक्रमों के चलते, इन्हीं सब उपेक्षा के चलते आए दिन अधिवक्ताओं को पुलिस गिरफ्तार कर रही है, आए दिन अधिवक्ताओं पर हमला हो रहा है। तो इस परिस्थिति को देखते हुए आए दिन अधिवक्ताओं की हत्या हो रही है। इस वर्तमान जो घटना है उसमें यह है कि गोंडा में एक वकील साहब राजकुमार श्रीवास्तव जी थे, जिनके ऊपर 8 महीना पहले एक FIR दर्ज हुआ। 8 महीना पहले FIR दर्ज हुआ, प्रैक्टिस करते थे, काम करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी पुलिस जो भी उसकी स्थिति बनी हो, कभी ये तेजी नहीं आई। लेकिन वहाँ राकेश सिंह इंस्पेक्टर हैं, उनको कहाँ से इंटरेस्टेड हो गए जब वकील साहब जम्मू वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे थे, तो उनको रामपुर RPF के मदद से रिजर्वेशन का नंबर लेकर के, बर्थ नंबर लेकर के ये लोग रामपुर जिले के में जब ट्रेन पहुंची है तो वहां से राजकुमार श्रीवास्तव जी को उतारा गया। वो ये कोतवाल और ये दरोगा और पुलिस के लोग RPF की मदद से ट्रेन से उतारे हैं, उतार करके उनको गोंडा लाए हैं। और ये गिरफ्तारी 12 तारीख को होती है, 12 मई को, 12 तारीख को गिरफ्तारी होती है और इसके बाद इनको ले आकर के रखा जाता है पुलिस चौकी में, कहीं किसी पुलिस चौकी पर रखे थे। वहाँ क्या परिस्थिति बनी, उनकी तबीयत जो है बहुत ज्यादा खराब हो गई, तबीयत खराब हो गई, उसके बावजूद भी पुलिस के लोगों ने उनको छोड़ा नहीं और उनको एहतियातन जिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया। वहां पर डॉक्टर ने कहा कि इनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो फिर इनको राम मनोहर लोहिया लखनऊ वकील साहब को ले जाया गया इलाज के लिए। वहां उनकी स्थिति में काफी सुधार हो रहा था, लेकिन इस बीच राकेश सिंह जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने रजनीश दुबे दरोगा और 2 कांस्टेबल को भेजा कि उनको डिस्चार्ज करा दो, वहाँ से डिस्चार्ज करा करके जेल में भर्ती कराओ। अब रजनीश दुबे दरोगा और 2 पुलिस वाले गए और जा करके उनको डिस्चार्ज करा दिए लोहिया से और रिमांड बनवा करके ले जा करके जेल में इंट्री करा दिए। अब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इतनी अर्जेंसी क्या थी, कैसे जेल के लोग उन्हें ले लिया कि जेल में इंट्री लेते ही फिर जेल के लोग जो है ले जा करके भर्ती करा दिए जिला चिकित्सालय में। अच्छा, जेल में जाने के बाद दोबारा फिर उनको जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। जेल में जाने के बाद जेल वालों को लगा कि तो हमको पुलिस वाले फंसा गए जी, तो या हो सकता है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का दबाव रहा हो कि नहीं इंट्री कर लो। इंट्री लेने के बाद ये लोग फिर जाके जिला चिकित्सालय में भर्ती कराए, जहां दूसरे दिन दिनांक 15/5 को 2023 को उनकी मृत्यु हो गई। तो ये स्थिति जो बनी है कि वकील साहब कचहरी में वकालत करते थे, कौन सी ऐसी परिस्थिति बन गई कि रामपुर ट्रेन पहुंची है, वहां से जाकर के पब्लिकली उतार करके बेइज्जत करना, सारे यात्रियों के सामने बेइज्जत करना और फिर वहाँ से ले आना, तो गिरफ्तारी करना था। 8 महीने से FIR थी, कभी गिरफ्तारी कर ली होते। इसको साजिशन हत्या माना जाए या क्या? ये साजिशन हत्या है। जिम्मेदार कौन इसका है? जिम्मेदार इसका सीधे पहले बात तो मैं आपसे पहले ही बता दिया कि सरकार वकीलों को अपना विरोधी मानती है,
इसलिए सरकार का कहीं से कोई वकीलों के लिए कोई राहत का मामला नहीं, वकीलों के लिए कोई काम नहीं, वकीलों के सहायता मदद के लिए आने को तैयार नहीं। एडवोकेट प्रोटेक्शन जो समाज में अपराधियों के खिलाफ जो वकालत करता है, बड़े से बड़े माफियाओं के खिलाफ वकालत करता है, उसके सुरक्षा कोई व्यवस्था नहीं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की कब से मांग हो रही है, उस पर कोई किसी को गरज नहीं। तो अगर आज एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होता तो आज वकील साहब साथ ऐसा नहीं हुआ होता। तो हमारा ये कहना है कि सरकार के वकीलों के प्रति उपेक्षात्मक रवैया के नाते हमारे एक अधिवक्ता भाई की जान इन पुलिस वालों ने ले लिया। अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा, न्याय इनको कैसे दिलाएंगे? न्याय दिलाने के बाद पहली तो जो मैं मांग करना चाहता हूं, सरकार से बहुत उम्मीद नहीं लेकिन मजबूरी है कि किसी से मांगे कि पहले तो वो जो पुलिस जो दरोगा और पुलिस वाले हैं जो जिम्मेदार हैं उनके विरुद्ध FIR दर्ज किया जाए, और FIR ही ना दर्ज किया जाए। उस कौन शरण सिंह है, कौन पहलवान कौन शरण सिंह है, ब्रजभूषण शरण सिंह की FIR दर्ज हो गई और उठार से बयान दे रहे हैं। इन पुलिस कर्मियों के जो जिम्मेदार हैं इनके खिलाफ FIR दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारी हो, पहली जो मेरी मांग है। दूसरी मांग यह है कि उस परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया उनको परिवार को मतलब सड़क पर ना आवे इसके लिए बचाने के लिए और आगे के लिए उनकी मदद के लिए 1 करोड़ रुपया सरकार उनको दे, उनके परिवार को दे। क्या नाम है उन इंस्पेक्टर वगैरह का? एक तो राकेश सिंह इंस्पेक्टर हैं और जो वहां से डिस्चार्ज कराए हैं वो रजनीश दुबे हैं और दो पुलिस के लोग हैं जिनका नाम नहीं पता। अच्छा, जो आपकी मांग अगर वो पूरी नहीं हुई तो ऐसी स्थिति में आप लोग का अगला कदम क्या होगा? अब अगर नहीं मांग पूरी होती तो हम वह हर कदम उठाएंगे लोकतांत्रिक तरीके से जो उठाया जा सकता है। तो मऊ के भी अधिवक्ता सड़क पर उतरेंगे? उतर सकते हैं और उतरेंगे ही उतरेंगे। अगर हमारी मांग नहीं पूरी हुई तो हम उतरेंगे। ठीक। आप लोगों के चैनल के माध्यम से, आप लोगों के प्रेस के माध्यम से मैं ये मांग करता हूं कि अधिवक्ता समाज जो सबसे पीड़ित समाज है और सबसे असहाय समाज हो गया है, उसके लिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि कम से कम 5 लाख रुपया तक अधिवक्ता व उसके परिवार की चिकित्सा सुविधा की फ्री मुफ्त बीमा मैं आप लोगों के माध्यम से जो करना चाहता हूं कि जिन अधिवक्ताओं की एज 70 साल हो गई है या जो प्रैक्टिस करने में अक्षम हो गए हैं उनको सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पेंशन की व्यवस्था सरकार करे। और चौथी और आखिरी मांग जो मैं मुख्य रूप से करना चाहता हूं कि जैसे मैं भी बलरामपुर जिले में गया था, करोड़ों की बिल्डिंग बनी है अधिकारियों को बैठने के लिए, वकीलों को क्या कहा जाता है, अफसर ऑफ द कोर्ट, इनके बैठने के लिए मड़ई की भी व्यवस्था नहीं है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यह भी मांग करता हूं कि प्रदेश में अधिवक्ताओं को बैठने के लिए चैम्बर की व्यवस्था सरकार करे ताकि अधिवक्ताओं का जीवन भी सम्मानजनक, अधिवक्ता भी सम्मानजनक ढंग से, गरिमामयी ढंग से जी सके, अपना परिवार चला सके। अभी हमें पांडे जी ने हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और ये बार काउंसिल के उम्मीदवार हैं। हम ये चाहेंगे जो वकीलों की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, अभी ये मामला दूसरे ज़िले का है लेकिन हमारे ज़िले में आप इस बात को उठा रहे हैं, मैं वर्तमान अध्यक्ष हूँ। आप ये मामला आपके द्वारा हमें जानकारी हुई है कि 12 मई को श्री राजकुमार श्रीवास्तव जी जो गोंडा सिविल कोर्ट के वकील हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है, 15 मई को उनका की मृत्यु हो गई है, जैसा कि बताया गया कि पुलिस कस्टडी में मौत हुई है। तो ये सीधे सीधे जिम्मेदारी है लोग हैं जो ऐसा किया गया। अधिवक्ता ना चोर होता है, ना बेईमान होता है, ना गुंडा होता है। अगर कोई मुकदमा था तो आप उसी कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में जाकर के सरेंडर करेगा, अपनी बात जानता है, कानून से वो भिज्ञ होता है। लेकिन ऐसा किया गया है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। दूसरे
हमारे पांडे जी ने हम लोगों को बताया ये चीज़, हम लोग इनके भी आभारी हैं और अधिवक्ताओं की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग सब लोग एक हैं और इनकी लड़ाई राजकुमार श्रीवास्तव जी की हम लोग लड़ाई जो मान बहुत से मित्र जी अपना परिचय दें। मैं पूर्व अध्यक्ष वीर को सेंट्रल बार एसोसिएशन हूँ। जैसा कि ज्ञात हुआ है विनोद कुमार पांडे साहब के जरिए कि राजेश कुमार श्रीवास्तव जो सिविल कोर्ट सेंटर पर गोंडा के प्रैक्टिशनर थे, उनकी दुखदायी मृत्यु पुलिस हिरासत में हो गई, ये काफ़ी निंदनीय है और हम उसकी घोर भर्त्सना करते हैं। सिविल कोर्ट सेंटर बार मऊ इस दुख के घड़ी में श्रीवास्तव जी के साथ है और अग्रिम पंक्ति में रहकर हम इनके हक की लड़ाई लड़ेंगे। मेरा मैं प्रमोद कुमार श्रीवास्तव सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। जो घटना घटित हुई है देखिए निंदनीय घटना है, दुख पूर्ण घटना है और हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय विनोद पांडे जी ने जो कहा उसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। और यह पुलिस कस्टडी में यह जो घटना घटी है सीधे सीधे हत्या का आरोप मैं पुलिस वालों पर लगाता हूँ कि उनकी हत्या की गई है।